तो सबसे पहले जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे क्लिक करके आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के ब्लॉग में बात करने वाला हूँ इंडियन करेंसी के बारे में, जो कि मेरे पास करेंसी जो मैं वहाँ से परचेज करके लाया हूँ वो आज से 400 से ज़्यादा साल पुरानी है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। मुझे नहीं पता वो करेंसी फेक है या रियल है, बट करेंसी की कंडीशन देख के आप लोग बता सकते हो कि वो काफ़ी पुरानी है। जैसे कि मेरे दादा वादा ने कभी बताया था, मुझे पता नहीं था कि एक आना होता कितना है और उसकी वैल्यू क्या होती है और दिखता कैसा है। आज मेरे पास वो आना है, मैं आप लोगों के साथ दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगा मुझे बात आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। मुझे भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मिला है देखने के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मुगल गांचा साहब है, गोलकोंडा मोहम्मद कुली कुतुब, उनके जमाने की है। कौन सा ये कॉइन, ये कितने का है? कौन से मुगल शासन का है? कापर में ही है ना, कापर रहेगा। ये जो चार मीनार बनाया उसका कंचे 120 ले लो, ये बता कितना? ये पूरा 150 लो। 130 130 यही चौगा, ये तो 50 कर लगाऊंगा, 20 तो कम कर दिया, वो छोड़ दो, ये 150 लगाऊंगा। और है ना ये जो इसके अंदर है, इसके अंदर जो कॉइन है वो, ये कितने का है? ये सिल्वर का है पूरा। अच्छा ये कितने कितने का है? मेरा तो कारोबार है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये है USA का $1 जो कि मेरे पास है, और ये दुबई का है जो कि 5 dirhams है, ये भी मेरे पास है। तो मैं बात करना चाहता हूँ ये परचेज किया है मैंने UK 1 आना, जिस पर लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये 1880 का है, 1818 का। ये तब का कॉइन्स है जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था, जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी। और जो सबसे रेयर है मेरे पास 450 साल पुराना है वो ये कॉइन्स है, ये मुगल शासन का है कॉइन्स। आप लोग देख सकते हो इस कॉइन्स को देख के लगता है कि ये इतना पुराना हो सकता है। इस पे M लिखा हुआ है, बाकी जो भी कुछ है इस पे वो मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो उर्दू में लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने परचेज किया वहाँ से, ये परचेज किया, ये है 19, ये कॉइन्स है मेरे पास 1957 का। तो ये कॉइन्स है मेरे पास जो कि बहुत ही छोटा कॉइन्स है, ये 1957 का है जिस पे लिखा हुआ है 1 rupee का सवा भाग नया पैसा। तो एक मैंने एक कॉइन्स वहाँ से ये परचेज किया था, और एक कॉइन्स ये था तो इस पे लिखा हुआ है 1 cent, ये भी अमेरिका का ही है, ये शायद डॉलर का, जैसे अपने पास 50 या 54 होती है ना, ये वही है वहाँ का 1 cent है ये। और मेरे पास ये है, ये $1 है, ये सिंगापुर का है। उसके बाद यही मेरे पास एक करेंसी है 10 paisa जो इंडिया की करेंसी है। ये कॉइन्स है, ये 10 paisa है, ये है 1986 का। उसके बाद मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का एक कॉइन्स है, उसके बाद दुबई का 8 आना है मेरे पास, और दुबई का 1 dirhams है। और ये मेरे को नहीं पता ये कॉइन्स कौन सा है, बट इस पर पूरा उर्दू में लिखा हुआ है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो